हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट बायोलॉजी के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो एग्जाम में जाने से पहले आपको पता होने ही चाहिए। इन एमसीक्यूज के साथ साथ हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं एचपी टेट बायोलॉजी में आते हैं, और साथ ही साथ हम इसकी बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। द मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिक इज, तो मेन कॉज क्या है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिक। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी पॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी सॉइल इरोजन। तो देखिए, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन है आपका डिफॉरेस्टेशन, यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अ फाइलम कॉमन टू यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट इज, ऑप्शन ए है आपका मोनेरा, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है फंजाई एंड ऑप्शन डी है आपका प्लांटे। तो देखिए, ऐसा फाइलम जो कॉमन है यूनिसेलुलर एनिमल्स के बीच और प्लांट्स के बीच में भी, तो वो है आपका प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में आपके प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जिनको हम जिसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूग्लिना होगा, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा आपका यूग्लिना, और आपका एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा अमीबा। अब जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में क्या क्या होता है, जो प्रोटिस्टा है आपका उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी देखा गया है। इसके मेंबर जो है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, साथ ही साथ इनके पास ऐसे मेंबर भी हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और सम मेंबर्स आल्सो है क्लोरोप्लास्ट। तो इसलिए इसको यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में जो है कॉमन माना जाता है। अब अगर हम यूग्लिना की बात करें, तो यूग्लिना से भी जो है क्वेश्चन बन जाता है, यूग्लिना क्या है आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है इससे। दूसरा, इसी का एक और एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड एनिमल। पैरामीशियम है आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड एनिमल। देखिए, एक ही ऑप्शन से कितने सारे क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, तो आपको सभी जो है ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, डिप्लॉयड नंबर आपके पास दिया गया है, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म, तो आपको क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है। तो देखिए, आपके पास जो है डिप्लॉयड नंबर आपके पास है 36, तो हैप्लॉयड हो जाएगा आपके पास हाफ इसका, 18 हो जाएगा। अब आपसे एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है, तो एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म होता है आपका ट्रिप्लॉयड होता है एंडोस्पर्म आपका नेचर में, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय एन की वैल्यू हमने निकाली 18, 18 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 जो आंसर आ जाएगा आपका 54, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द प्रोटीन रिच एल्गी इज, ऑप्शन ए है आपका प्रोटोसिफॉन, ऑप्शन बी है आपका पोरोफाइडियम, ऑप्शन सी है आपका जिलेडियम एंड ऑप्शन डी है आपका स्पाइरुलिना। तो देखिए, प्रोटीन रिच एल्गी बोला जाता है ऑप्शन डी यानी कि स्पाइरुलिना को। तो स्पाइरुलिना है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है, क्या है ये फूड सप्लीमेंट, कहाँ यूज होता है फूड सप्लीमेंट, एज अ फूड सप्लीमेंट यूज होता है इन एक्वेरियम्स में, एक्वेरियम्स में एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। तो स्पाइरुलिना एक प्रोटीन रिच एल्गी है,
अगर हम अदर प्रोटीन रिच एल्गी की बात करें, जहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो अदर प्रोटीन रिच एल्गी अगर हम बात करें तो कौन कौन है? आपकी क्लोरेला एक एल्गी है जो प्रोटीन रिच है, जो कि कैसी है? ग्रीन एल्गी है। और आपके डायटम्स, जो डायटम्स हैं वो भी आपके प्रोटीन रिच हैं। यहाँ पे जिलेडियम भी दिया गया है, तो जिलेडियम को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर जिलेडियम की बात करें तो ये एक क्या है? रेड एल्गी है। ठीक है, जिलेडियम एक रेड एल्गी है। अगर हम रेड एल्गी की बात करें, जिस जिलेडियम की बात करें, तो इसका यूज होता है आपका अगार एंड एगरोज की मेकिंग में, अगार एंड एगरोज मेकिंग में। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट एंथेरोजोइड्स आर फाउंड इन, ऑप्शन ए है आपका साइकस, ऑप्शन बी है आपका सीड्रस, ऑप्शन सी है आपका इफेड्रा एंड ऑप्शन डी है आपका पाइनस। तो देखिए, लार्जेस्ट एंथेरोजोइड जो है आपके जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। किन में? जिम्नोस्पर्म में। अब जिम्नोस्पर्म में भी किस में पाए जाते हैं? वो है आपका आंसर साइकस। तो साइकस में आपके लार्जेस्ट एंथेरोजोइड्स पाए जाते हैं। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है जिसके क्या है? बिगेस्ट स्पर्म्स, एंथेरोजोइड्स मतलब स्पर्म। तो बिगेस्ट स्पर्म जो है आपके साइकस में पाए जाते हैं। लगभग 40-80 सेंटीमीटर के होते हैं ये। अगर हम बात करें ओव्यूल की, तो ओव्यूल भी इनमें बिगेस्ट होता है, जिसका साइज होता है 6-7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर सैक फंगस, यूनिसेलुलर सैक फंगस कौन है? तो देखिए, सबसे पहले सैक फंगस जो टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है आपकी? सैक फंगस टर्म यूज की जाती है आपकी एस्कोमाइसिटीज के लिए। किसके लिए? एस्कोमाइसिटीज। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सैक फंगस किसके लिए यूज किया जाता है? तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को जो है सैक फंगस बोलते हैं। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं, एस्परजिलस, ऑप्शन बी है आपका पेनिसिलियम, ऑप्शन सी है आपका क्लेविसेप एंड ऑप्शन डी है आपका सैकेरोमाइसिस। तो देखिए, ये 4 के 4 आपके एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं, तो इसका ऑल ऑफ अबव आंसर हो जाएगा, ए सी बी डी, चारों के चारों को जो है सैक फंगस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, मियोसिस टेक प्लेस इन, ऑप्शन ए है आपका कोनिडिया, ऑप्शन बी है आपका गैम्यूल, ऑप्शन सी है आपका मेगास्पोर एंड ऑप्शन डी है आपका मियोसाइट। तो मियोसिस कहाँ पे टेक प्लेस करती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मियोसाइट। मियोसाइट्स आर द सेल इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस। अब मियोसाइट्स क्या होते हैं? मियोसिस, मियोसाइट आपके डिप्लॉइड सेल हैं। कैसे सेल हैं मियोसाइट्स आपके? डिप्लॉइड। मियोसिस अकर होगी इनमें, मियोसिस होने के बाद जो है ये क्या बना देंगे आपके? गैमीट, जो कि कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। अभी जो मियोसिस है इसको और क्या बोला जाता है? रिडक्शनल डिवीजन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन किसे बोलते हैं? तो रिडक्शनल डिवीजन किसको बोलते हैं? मियोसिस को। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, टर्बुलेरियन आर फ्री लिविंग, ऑप्शन है आपकी ट्रिमेटोड्स, बी है फ्लैटवॉर्म, सी है गैस्ट्रोड एंड डी है आपका निमेटोड्स। तो टर्बुलेरियंस की अगर बात करें तो वो होते हैं आपके फ्लैटवॉर्म्स। अब फ्लैट वॉर्म्स को और क्या बोला जाता है? अनदर नेम है इनका फ्लैटी हेलमेंट्स। क्या नाम है इनका? फ्लैटी हेलमेंट्स। फ्लैटी हेलमेंट्स में जो है 80% जो फ्लैटी हेलमेंट्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। अबाउट 80% जो है ये क्या होंगे? पैरासाइट होंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें इनके, तो कौन कौन से हैं पैरासिटिक फ्लैटी हेलमेंट्स? टेनिया आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, फेशियोला आ जाएगा। तो ये जो है आपके पैरासिटिक प्लेटी हेलमिंट्स आ जाएंगे। वहीं अगर हम टर्बुलेरियन की बात करें, तो टर्बुलेरियन जो है आपका, टर्बुलेरियन है आपका स्केवेंजर। क्या है ये? स्केवेंजर, या फिर ये प्रीडेटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइजनस लिजर्ड इज,
पॉइजनस लिजर्ड पूछा गया है, ऑप्शन ए है वेरेनस, ऑप्शन बी है कैमिलियन, ऑप्शन सी है एंसिस्ट्रोडोन एंड ऑप्शन डी है हेलोडर्मा। तो पॉइजनस लिजर्ड बोला जाता है आपका हेलोडर्मा को। अब हेलोडर्मा की जगह कई बार आपसे कॉमन नेम भी पूछा गया हो सकता है, हो सकता है हेलोडर्मा की जगह कॉमन नेम दिया गया हो, तो इसका कॉमन नेम भी आपको जो है पता होना चाहिए। हेलोडर्मा का कॉमन नेम होता है गिले मॉन्स्टर। क्या होता है? गिले मॉन्स्टर। तो ये इसका कॉमन नेम है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गिल कवर इज एब्सेंट इन, ऑप्शन ए है आपका सैल्मन, ऑप्शन बी है आपका लेबियो एंड ऑप्शन सी है आपका शार्क या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। तो गिल कवर्स किसमें एब्सेंट होते हैं? तो सबसे पहले जो इसका करेक्ट आंसर है वो है शार्क। शार्क में आपके गिल कवर्स एब्सेंट होते हैं। अगर हम गिल कवर्स की बात करें, गिल कवर्स जो है आपके एब्सेंट किसमें होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं आपके कार्टिलेजिनस फिशेज में। कार्टिलेजिनस फिशेज में एग्जाम में आपसे ऐसे भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फिशेज में जो है गिल कवर एब्सेंट होता है। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में जो है हमारे गिल कवर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके शार्क, रे फिश। तो इस तरह एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछे हैं। अब गिल कवर्स प्रेजेंट किसमें होते हैं? गिल कवर्स, तो गिल कवर प्रेजेंट होते हैं आपके बोनी फिशेज में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको सारा तरीकों से आंसर करना आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगी। तो बोनी फिशेज में जो है आपका गिल फिशेज प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा इसका सालमन, दूसरा आ जाएगा लेबिया। ठीक है, अगर हम बात करें तो बोनी फिशेज में जो है ये गिल स्लिट क्या रोल प्ले करता है? अब जो ये गिल स्लिट है इसका रोल है क्या? तो जो ये गिल स्लिट है ये आपका रेस्पिरेशन में यूज होता है, रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है ये। साथ ही साथ ये फीडिंग में भी हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है फीडिंग में। अब इस गिल कवर को और क्या बोला जाता है? ऑल्सो कॉल्ड ऑपरक्यूलम। तो एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऑपरक्यूलम किसमें प्रेजेंट है या ऑपरक्यूलम किसमें एब्सेंट है। और ये ऑपरक्यूलम होता क्या है? एक बोनी फ्लैप होता है। क्या होता है ये? बोनी फ्लैप, जो किसको कवर करता है? आपके गिल्स को। बोनी फ्लैप दैट कवर्स गिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। एग लेइंग मैमल पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है आपका वेल, ऑप्शन बी है प्लैटिपस, ऑप्शन सी है पेंगुइन एंड ऑप्शन डी है आपका कैंगरू। तो देखिए, जो एग लेइंग मैमल होता है वो होता है आपका प्लैटिपस या डक क्विल, प्लैटिपस भी इसको बोला जाता है, जो कि एग लेइंग मैमल है। अब जो एग लेइंग मैमल होता है, मैमल जनरली जो है यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन जो आपके एग लेइंग मैमल एक एक्सेप्शनल केस है, जो कि एग्जांपल इसका है प्लैटिपस। प्लैटिपस का साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, क्या हो सकता है एग्जाम में आपसे वो भी ऑप्शन में दिया गया हो कॉमन नेम के बजाय। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है ऑर्निथोराइंकस, ऑर्निथो राइकस एनाटिकस। आपके आपको इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। ये आ गया इसका साइंटिफिक नेम। अब ये क्या है? एक ओविपेरस है, बिकॉज ये एग ले कर रहा है तो ये क्या हो गया? ओविपेरस। तो ऑप्शन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऑर्निथोराइकस क्या है, ओविपेरस, विविपेरस या ओवोविविपेरस। तो आपको पता होना चाहिए प्लैटिपस क्या है, एक ओविपेरस। ये कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है? तो ये जो प्लैटिपस है आपका ये किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? ये करता है आपका मोनोट्रिंग, मोनोट्रिंग। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी। अब जो मोनोट्रिंग्स है ये ऐसा ऑर्डर है जो कि सिर्फ उन मैमल्स के लिए बनाया गया है जो एग ले करते हैं। मैमल्स दैट ले एग,
ठीक है, मोनोट्रीम्स ऑर्डर के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब जो ये ऑर्निथोराइकस है इसमें क्या है, एक तो ये ओविपेरस है इसलिए एग लेंगे, मैमल क्यों बोला जाता है इसको, अभी मैमल होने का क्या रीजन है, तो मैमल्स की तरह इसमें हेयर प्रेजेंट है, साथ ही साथ मेमरी ग्लैंड्स जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल होने के, मेमरी ग्लैंड्स। मैमल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हेयर्स प्रेजेंट है साथ ही साथ मेमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन, हेमोसील इज फाउंड इन, ऑप्शन ए है आपका इकाइनोडर्म, ऑप्शन बी है आपका स्पॉन्जेस, ऑप्शन सी है आपका अर्थ्रोपोड एंड ऑप्शन डी है आपका एनेलिड। तो देखिए जो हेमोसील है वो पाया जाता है आपके ऑप्शन सी अर्थ्रोपोड में, अर्थ्रोपोड में आपके हेमोसील पाया जाता है। अब अर्थ्रोपोड्स को हम बात करें अगर, तो इनमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपके अर्थ्रोपोड्स में, अर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है आपका इसमें अर्थ्रोपोड्स में वो एक बॉडी कैविटी में फिल होता है जिसको बोलते हैं हीमोसील। क्या होता है, ब्लड फिल्स द बॉडी कैविटी, जिस बॉडी बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं हम, उस बॉडी कैविटी को बोलते हैं हम हीमोसील। ठीक है, और जो ब्लड है ब्लड को बोलते हैं हम हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि अर्थ्रोपोड्स में जो ब्लड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हेमोग्लोबिन। अब अगर हम इकाइनोडर्म्स की बात करें, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। इकाइनोडर्म्स की बात अगर हम करें तो इनमें होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें भी, इनमें भी होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इकाइनोडर्म्स में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो फिर इनमें कैसे होता है, इनमें होता है आपका कैनाल सिस्टम, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, कैनाल सिस्टम होता है आपका स्पॉन्जिस में। अगर हम एनेलिड्स की बात करें तो एनेलिड्स में आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पॉलीफेज इज एब्सेंट इन, ऑप्शन ए है आपका हाइड्रा, ऑप्शन बी है ऑरिलिया, ऑप्शन सी है आपका फाइजेलिया एंड ऑप्शन डी है आपका ओबिलिया। तो पॉलीफेज आपका ऑप्शन बी ऑरिलिया में एब्सेंट होता है, ऑरिलिया को और क्या बोलते हैं हम, जेलीफिश। तो देखिए जो क्लास काइजोकोआ है, अगर हम पॉलीफेज की बात करें, डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि काफी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से भी बनते हैं, तो काइफोजोआ जो क्लास है आपकी क्या है, ये क्लास है, इसमें क्या होते हैं, मेड्यूसॉइड फेज जो होता है वो डोमिनेंट होता है और पॉलीफेज जो है एब्सेंट होता है। क्लास काइजोकोआ में जो है मेडिसोइड फेज जो होता है आपका वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और जो पॉलीपॉइड फेज होता है वो आपका एब्सेंट होता है। अब क्लास काइफोजोआ में कौन से मेंबर्स आते हैं, ये जो आपका ऑरिलिया है ये काइफोजोआ क्लास को बिलोंग करता है। अगर हम पॉलिप और मेड्यूसा की बात करें, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, पॉलिप और मेड्यूसा की बात करें तो पॉलिप जो है वो आपका फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, वही मेड्यूसा आपका फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग नहीं सॉरी स्विमिंग, फ्री स्विमिंग होता है, मूव कर सकता है। पॉलिप है आपका एसेक्सुअल,
पॉलिप रिप्रेजेंट करता है आपका एसेक्सुअल फेज को और मेड्यूसा रिप्रेजेंट करता है आपके सेक्सुअल फेज को। देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लेते हैं, जो क्लास हाइड्रोजोआ होती है, क्लास हाइड्रोजोआ, जो क्लास हाइड्रोजोआ है उसमें जो है बोथ फेज प्रेजेंट होते हैं, बोथ फेज यानी कि पॉलिप भी और मेड्यूसा भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजोआ के अगर हम एग्जांपल देखें तो कौन कौन आ जाएंगे इसमें एग्जांपल, इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे हाइड्रा, ओबेलिया, ओबेलिया इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है आपका फाइजेलिया, इसका एग्जांपल है, ठीक है, हाइड्रा भी इसका एग्जांपल है हाइड्रोजोआ का। लेकिन हाइड्रा का भी एक एक्सेप्शनल केस है कि हाइड्रा जो है आपका उसमें जो है एसेक्सुअल फेज एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन है, अ वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय अ हनी बी टू रिपेयर कॉम्ब्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है आपका प्रोपोलिस, ऑप्शन बी है हनी ड्यू, ऑप्शन सी है नेक्टर एंड ऑप्शन डी है आपका स्पोरोपोलेनिन। तो जो वैक्सी सब्सटेंस आपकी हनी बी सिक्रीट करती है उसको बोलते हैं प्रोपोलिस, प्रोपोलिस, प्रोपोलिस इज द राइट आंसर। अब प्रोपोलिस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके कैरेक्टर्स, प्रोपोलिस आपका एंटी इंफ्लामेटरी होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, साथ ही साथ एंटी फंगल होता है, ये एंटी फंगल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है ये, जो कि वुंड हीलिंग में आपको हेल्प करता है, हेल्प इन वुंड हीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ट्यूब फीट आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ, ऑप्शन ए है आपका स्पाइडर, ऑप्शन बी है आपका रेप्टाइल, ऑप्शन सी है स्टारफिश एंड ऑप्शन डी है आपका कैटफिश। तो ट्यूब फीट आपके पाए जाते हैं स्टारफिश में, किसमें पाए जाते हैं ट्यूब फीट, स्टारफिश में। अगर हम ट्यूब फीट की बात करें तो ट्यूब फीट आपके क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, क्या है ये आपके लोकोमोटरी ऑर्गन, ट्यूब फीट क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन, साथ ही साथ ही वाटर वास्कुलर सिस्टम में भी रोल प्ले करते हैं। इनका रोल कहाँ है, और रोल इन वाटर वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ट्यूब फीट आपका लोकोमोटरी ऑर्गन भी है, साथ ही फीडिंग में भी हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, तो फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं आपसे ट्यूब फीट के। और जो स्टारफिश है आपकी, ये किस फाइलम को बिलोंग करती है, तो ये फाइलम जिसको बिलोंग करती है वो है आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा फाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, Which one of the following shows polymorphism? Polymorphism कौन शो कर रहा है इसमें से? ऑप्शन ए है आपका फाइजेलिया, ऑप्शन बी ट्रिपेनोजोमा, ऑप्शन सी टर्माइट। तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म को जान लेते हैं क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक सिंगल स्पीसीज के जो मेंबर हैं, उनमें क्या हो रहा है, सेवरल फॉर्म्स अकर हो रही है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल जो है एक ही सिंगल स्पीशीज में देखे जा रहे हैं। ठीक है, वो होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये क्यों अकर होती है, अकर ड्यू टू डिसकॉन्टिन्यूअस जेनेटिक वेरिएशन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अकर ड्यू टू डिसकॉन्टिन्यूअस जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, अगर हम बात करें नीचे दी गई ऑप्शंस की, तो किसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो आपके फाइजेलिया में भी पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है,
ट्रिपैनोसोमा में भी और टर्माइट में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है कैरेक्टर, ये क्या होता है? ये हेरिटेबल होता है। कैसा कैरेक्टर है ये? हेरिटेबल। पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, वो है इन विच फाइलम द बॉडी इज सेगमेंटेड। ऑप्शन ए है आपका पॉरीफेरा, ऑप्शन बी है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी है एनेलिडा एंड ऑप्शन डी है आपका मोलस्का। तो देखिए बॉडी सेगमेंटेड किसमें होती है? आपके एनेलिड्स में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और उन सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है जो सेगमेंटेशन होती है एनेलिड्स में? जो सेगमेंटेशन एनालिट्स में होती है उसको बोला जाता है मेटामेरिज्म। इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनिए मेटामेरिज्म। और जो सेगमेंटेशन है आपकी, इनको तीन फाइला में देखा गया है। और तीन ऐसे फाइला है जिनमें सेगमेंटेशन होती है, वो है अर्थ्रोपोड्स, इनमें भी सेगमेंटेशन होती है, एनालिट्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया, और तीसरा है आपका कॉर्डे, इनमें भी जो है सेगमेंटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवीपेरस मैमल। आपके ऑप्शन ए है बेलिनोटेरा, डेल्फिनस, टीरोक्स, पिटेरोपस एंड ऑर्निथोरैंकस। तो इनमें से हमें बताना है ओवीपेरस मैमल कौन सा। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने शुरू में ही ये डिस्कस किया था कि ओवीपेरस मैमल, ओवीपेरस मैमल से क्या समझते हैं? एग लेइंग मैमल। कौन से? एग लेइंग मैमल। तो एग लेइंग मैमल है आपका ऑर्निथोरैंकस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? और प्लैटिपस। कॉमन नेम क्या है इसका? प्लैटिपस। वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। ऑप्शन ए है आपका कोलंबा, ऑप्शन डी बी है आपका नियोप्रॉन, ऑप्शन सी है स्ट्रूथियो एंड ऑप्शन डी है कॉर्पस। फ्लाइटलेस बर्ड की बात की गई है, तो फ्लाइटलेस बर्ड इनमें से है आपका स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो को जो है क्या बोला जाता है? और ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है इसमें फ्लाइटलेस बर्ड है। अगर हम अदर फ्लाइटलेस बर्ड की बात करें, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में, अदर फ्लाइटलेस बर्ड। तो आपका पेंगुइन भी जो है फ्लाइटलेस बर्ड है, ईमू एक और एग्जाम्पल है, नेक्स्ट आपका रियाज भी एक एग्जाम्पल है, और आपका कीवी भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है। अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, सबसे बड़ा जो फ्लाइटलेस बर्ड है वो हमारा ऑस्ट्रिच है। 20 क्वेश्चन है आपका, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ फ्लावर ऑफ। ऑप्शन ए है आपका मस्टर्ड, ऑप्शन बी है आपका लेमन, ऑप्शन सी है आपका पी एंड ऑप्शन डी है आपका सनफ्लावर। तो जो रेपलम है वो किसमें पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मस्टर्ड में। रेपलम क्या होता है? अब अगर हम रेपलम की बात करें तो रेपलम एक फॉल्स सेप्टम है। क्या है ये? फॉल्स सेप्टम। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्शन में आया होगा फॉल्स सेप्टम है कि क्या है रेपलम, तो आपने किस पे टिक करना है? फॉल्स सेप्टम पे, क्योंकि कहाँ है? इन ओवरी। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो मस्टर्ड की ओवरी है वो बायलॉक्यूलर हो जाती है, बायलॉक्यूलर ओवरी, ठीक है। अगर हम मस्टर्ड के फ्रूट की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड का फ्रूट ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मस्टर्ड के फ्रूट को बोला जाता है सिलिक्वा, पता होना चाहिए आपको क्या बोला जाता है? सिलिक्वा। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी फॉर एचपी टेट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।